टेंथ में जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मैथ्स ही लेके चलते हैं कि मैथ्स में डायरेक्ट फॉर्मूला आ आएंगे और आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा थोड़ा बहुत ही ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में पर जैसे आप इलेवंथ में मूव करेंगे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा हेलो एवरीवन दिस इज़ निशी योर होस्ट एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक येट इंपॉर्टेंट के उन सभी बच्चों के लिए ये टॉक शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो खुद को प्रिपेयर करें आई आई टी जेई के लिए फॉर अपकमिंग ईयर्स एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो बोर्ड्स के लिए अपेयर होंगे नेक्स्ट ईयर टू में सो so, उन सभी के मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं क्वेरीज हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर कैसे जर्नी उनको अपनी मेंटेन करनी है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आई आई जेई एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स आल्सो सो उन सभी के क्वेश्चंस उन सभी के डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सो वी हैव मिस्टर प्रदीप हु इज़ ऑल्सो आई टेन फ्रॉम बॉम्बे एंड ऑल्सो अ मैथ्स फैकल्टी एट टॉपर्स अकैडमी सो हेलो सर

और बिगिनिंग में आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं वो बिगिनिंग में क्या कराएंगे आपको चीज़ें स्लो करवाएंगे स्लो इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि टेंथ में जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं लेने मैथ्स ही लेके चलते हैं कि मैथ्स में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएंगे और आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा थोड़ा बहुत ही ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में पर जैसे आप इलेवंथ में मूव करेंगे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा और वो इतना जल्दी डेवलप होती नहीं है उसके लिए आपको टाइम लगेगा शुरू में ठीक है तो आपको शुरू में जैसे ही आपको स्लो स्लो चलवाया जाए तो उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काम जल्दी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको क्या करना है कि ये नहीं करना कि मेरे को आंसर जल्दी चाहिए कुछ लोग अभी क्या करते हैं कि गूगल पे आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वो नहीं करना है क्योंकि गूगल पे आंसर ढूंढ लेंगे तो आपने अपना ब्रेन तो यूज ही नहीं किया ना तो एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ नहीं पाएगी तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एक बार में नहीं हो रहा दो तीन बार ट्राई करें ये तीनों सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए दो तीन बार में नहीं हो रहा तब आप जाके अगर अपने आप को फील करते हैं कि नहीं आप पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो अब आप क्या करें या तो उसको अपने टीचर से पूछ लें अगर आपको कुछ और रिसोर्सेज हैं तो आप उससे भी देख सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है और ये काम धीरे करते करते आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम जब भी आपके कॉलेज में जिस भी आप इंस्टीट्यूट में सॉरी होंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा जो भी आपके टेस्ट चल रहे हैं उन सारे टेस्ट में आपको अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करते हुए चलना है और जो भी आपके पेपर में आपसे गलतियां हुई है उसमें क्या करें उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कि कुछ गलतियां आपकी सिली मिस्टेक की वजह से हुई होगी कुछ गलतियां आपकी हो सकती है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे ना कि कॉन्सेप्ट को वापस सीखेंगे जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पूरा पेपर वापिस से एक बार दे के देख लेंगे जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसके बाद आपका पूरा पेपर हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे यही प्रोसेस आप करते चले जाएंगे थ्रू आउट योर जर्नी है ना इलेवंथ में भी और ट्वेल्थ में भी आप इसको फॉलो करते चले जाएंगे और यही करते करते आपको क्या होगा एक अच्छा रैंक आपकी बन सकती है यही एक तरीका है मतलब ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप एकदम से अचानक से आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ट्वेल्थ में जाएंगे डायरेक्ट बोर्ड देंगे या अपना मेन्स देंगे और डायरेक्ट आपके अच्छे आंसर आ जाएंगे ना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना ऐसा कुछ भी नहीं तो आपको शुरू से ही लेके चलना है प्रैक्टिस करते रहना है और पी वाई क्यू को जरूर लगाना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो उससे क्या होता है ना कि एक तो आपको एग्जामिनर की जो फ्रेमिंग है क्वेश्चंस की वो समझ आती है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता है दूसरा कभी कभी जब आप क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो एट सच फ्रेमिंग नहीं होती है क्वेश्चन की क्योंकि टीचर आपको मैक्सिमम चीजें समझा देता है कि ये क्वेश्चन क्या चाहता है आपको किस तरह से फॉलो करना है या आपका क्या क्या बात होना चाहिए पर एग्जाम में आपको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक खुद ही सोचना है कि मैं क्या करूं मुझे क्या नहीं करना है और ये आपको जब आप घर पे बैठेंगे तभी आप सीख पाएंगे खुद से और तीन चार घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे तीन घंटे मिनिमम देना पड़ेगा जो आपके जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं जैसे कि से, फिजिक्स से, है और आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आपको तीन तीन देने पड़ेंगे। जी सो okay, so, एक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैचेस बहुत इनिशियल फेज से स्टार्ट कर देते हैं लाइक like, कुछ बच्चे हैं जो अपने आपको जूनियर क्लासेस से आई आई टी या प्रिपरेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं सो अकॉर्डिंग टू यू वट इज द राइट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग सच एग्जाम्स मेरे ख्याल से जो राइट टाइम है वो है आपका एट के बाद आप शुरू कर सकते हैं आप एट के बाद जैसे ही नाइन्थ में शुरू करेंगे तो आपका क्या होगा कि नाइन्थ में शुरू करने के बाद आपके पास एक तो चार साल बचते हैं ठीक है और चार साल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा ना कि आप जो भी प्रोसेस है आपका नाइन्थ से ही आपकी आप अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाएं तो वो उसी एक थिंकिंग लेवल के हिसाब से बनाया गया है एट तक क्या है कि आपके पास फैक्ट्स हैं इन्फॉर्मेशन है और वो चलती रहेगी नाइन्थ के जैसे ही मैथ्स अच्छा आप पकड़ेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी अल्जब्रा भी आ जाएगा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा सारे चैप्टर्स आने शुरू हो जाते हैं टेंथ में आपका हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री भी है तो वहां पे आपको क्या होगा कि जैसे ही आप नाइन्थ में शुरू करेंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि नाइन टेंथ में आपके पास काफ़ी टाइम होता है और काफ़ी टाइम होने के साथ साथ आपके पास टेंथ के बोर्ड भी इतने टफ नहीं आते हैं और आप स्कोर भी अच्छा कर पाते हैं तो आप शुरू से ही आपको एक हैबिट डल जाएगी जो है कि हार्ड वर्क है और आप जैसे ही बार बार वो करते चले जाएंगे तो आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ में आके वो स्ट्रगल नहीं करना है जो अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ शुरू में आपको स्लो पेस से चलना पड़ेगा आप वहां पे पहले ही अपने आप को अप कर सकते हैं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप नाइन टेंथ में अगर प्रैक्टिस किए तो आपको इलेवेंथ में भी आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा नहीं यही बेनिफिट है अगर आप नाइन्थ और टेंथ में करते हैं हाँ ऐसा नहीं है कि जो नाइन टेंथ से शुरू कर देते हैं उन्हीं का होगा जो इलेवंथ में शुरू करते हैं कि इलेवंथ भी एक अच्छा फेज शुरू हो जाता है जब बच्चे टेंथ क्रॉस करके बोर्ड में अच्छा करके उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं अगर आपका अच्छा स्कोर है मान लीजिए तो आप अपने आप में एक सुपीरियर फील करते हैं अपने आप को कि हाँ मैं अब अच्छा कर जाऊंगा किसी भी एग्जाम में कि हर हाँ, किसी के साथ होता है ये तो टेंथ के बाद अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे एग्जाम है आपको लगता है कि नहीं आपको यही करियर चूज करना है इधर आई और नीट में तो आपके पास अच्छे मार्क्स होने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस होगा अच्छी गाइडेंस अगर आपके पास होगी तो आप क्या करेंगे आपके पास थ्रू आउट द जर्नी

तो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है वहाँ टाइम बहुत ज्यादा टाइम भी इंपोर्टेंट है पर नीट में क्या होता है कि नीट में और कम टाइम मिलता है उसमें क्यों उसमें बायोलॉजी है तो उसमें आपके पास अगर डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप जल्दी से टिक कर देंगे राइट आंसर को पर यहाँ पे क्या होता है ना कि आईटी में आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा तभी जाके आपको फाइनल आंसर मिलता है तो नीट में आपकी स्पीड और तेज होनी चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा उसमें और स्पीड पे काम करना पड़ेगा और स्पीड तभी इम्प्रूव होगी जब आपका क्या होगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन ना करें और जाके डायरेक्ट पेपर में ही सो अकॉर्डिंग टू यू इन कभी भी लाइक जितना जल्दी आप हो सके आप इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो इन एग्जाम्स के लिए कुछ लोग से भी शुरू कर देते हैं पर मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं है क्योंकि आप उसमें ओलंपियाड की तैयारी कर ले अच्छा है पर ठीक है अगर नाइन से भी आप शुरू करते हैं तो एक अच्छी रैंक आप लेके आ सकते हैं ओके सो बहुत बच्चों से सुनने में यह आया है कि कुछ कुछ बच्चे सिर्फ आपके नाम के लिए ही क्लासेस लेने आते हैं सिर्फ मैथ्स के लिए सो so, हम ही जाना चाहते हैं आप आपका है। तो, तो मतलब ही करता हूँ तो भी नहीं पढ़ा है बेसिक अगर आपको कैल्कुलेशन आती है और थोड़ा बहुत भी आपने मेहनत की है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज इन दर्म्स पे बात करें तो अगर आप सिक्सटी सेवेंटी परसेंट भी स्टूडेंट है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली क्यों उसका रीजन ही ये है कि हम शुरू ही बिल्कुल बेसिक बेसिक्स करेंगे कि जो 9, 10 में आपने पढ़ा हुआ है और उससे धीरे धीरे आपके चैप्टर को क्या करेंगे ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे और आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी है exactly. ना उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हाँ, बस यही एक तरीका है जो मैं अपनी क्लासेस में जनरली अपनाता हूँ सो एज वी नो दैट कि आई ने कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी शायद किए हैं कितने दे बच्चा दे सकता है साथ साथ भी तो क्या किस हद तक ये सही है मेरे ख्याल से आपको ट्वेल्थ में अगर अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको कॉलेज ले लेना चाहिए अपने हिसाब से okay. अगर आपको लगे कि आपको एक अच्छी एनआईटी आई टी मिल रही है हाँ. अगर आपको लगता है कि नहीं आप में अभी चांसेस हैं इम्प्रूव करने हुँ. के और आप एक अच्छा कॉलेज फिर से ले सकते हैं बाद में है ना तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक और ड्रॉप ले सकते हैं वो आपका टोटली totally डिपेंड करेगा कि आपकी इनर फेथ yeah. क्या okay. है कि आप क्या चाहते हैं कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा पर हाँ एक ड्रॉप के बाद मेरे को नहीं लगता कि हाँ आई टी एडवास तो लेते ही नहीं है आई में तो आपका होगा हाँ ही नहीं ट्वेल्थ के एक ड्रॉप के बाद पर हाँ उसके बाद एक एक और अटेम्प दे सकते हैं के के लिए जो के लिए जो कि पर मैं नहीं फॉलो करता हूँ करता कि आप दो दो अटेम्प्ट दें अटेम्प okay. एक ही काफी है आपको मिल जाएगा कॉलेज अदरवाइज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आप जाके एन आई भी कुछ किसी भी और कॉलेज में भी आप अच्छा कर सकते हैं तो वो आपकी मेहनत रहती है एक अटेम्प्ट ट्वेल्थ में और एक आप उसके बाद अगर नहीं होता है तो एक उसके बाद आप दें उसमें आप अच्छा कर ही जाएंगे अगर आपने ड्रॉप लिया होगा इट मीन के 11, 12 अगर आप प्रिपेयर कर, हाँ. तो हाँ, कर रहे हो तो वो जर्नी ही बहुत इंपॉर्टेंट आप वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्वेल्थ के बाद आप अच्छा कॉलेज ले सकते हो बिल्कुल रहे. बिल्कुल ट्वेल्थ के होते हुए आप अच्छा कॉलेज ले सकते हैं मतलब की बोर्ड का एग्जाम दिया जैसे हुँ. आपका मेन्स एग्जाम हुआ उसमें भी अच्छा स्कोर कर जाए एडवांस में भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो आपको वहीं ट्वेल्थ के साथ साथ ही कॉलेज मिल जाएगा आपको ड्रॉप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी बिल्कुल सो so, uh, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद को डमी स्कूल्स या नॉन एडनी स्कूल जिसको हम बोलते हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व करा देते हैं एंड पूरा टाइम वो फिर अपना अकेडमी भी देते हैं कोचिंगूट्स में सो so, कहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के लिए क्योंकि उनकी स्कूल लाइफ अफेक्ट हो रही है उन्होंने कभी वो लिया नहीं कि स्कूल्स में क्या हो रहा है वो नॉलेज हट रही है उनकी सो कोचिंग कितना उनको हेल्प कर सकती है या ये सही भी है वैसे ये लीगल है भी, के के ले ले फिर भी लोग करते हैं ताकि उनकी जर्नी अच्छी प्रिपरेशन कर पाए तो क्या ये सही है और कितना मददगार है ये? नहीं अगर इलिगल है तो सही तो नहीं होगा इसमें आप क्या कर सकते हैं एक चीज ये कि आप जो स्कूल है उसमें आप अपना वर्क टाइम देख सकते हैं आपकी क्लासेस कितना टाइम के लिए अगर आपका स्कूल जनरली इलेवन ट में पांच घंटे का होता है अप्रोसी पाँच या छह घंटे का तो आप स्कूल अटेंड करने के बाद क्या कर सकते हैं अपनी एक कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमे आपकी दो सब्जेक्ट होते हैं तीन घंटे की कोचिंग होती है छह घंटे बचते हैं जो के और छह घंटे आपको चाहिए भी कि आपको दो या तीन घंटे चाहिए पर सब्जेक्ट अगर आप आई टी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की कर रहे हैं तो भी इतना चाहिए क्योंकि वहां पे चार सब्जेक्ट होंगे बिल्कुल तो छे घंटे की सेल्फ स्टडी के साथ और स्कूल के साथ आपको एक ऐसी कोचिंग देखनी पड़ेगी जो आपको तीन से साढ़े तीन घंटे की ही कोचिंग देती हो ऐसा ना है कि आप सारा टाइम दूसरों को ही दे रहे हैं भुड़ जैसे भुड़ पहले भुड़ आपने घंटे स्कूल को दे दिए छह घंटे कोचिंग को दे दिए तो आप छह घंटे खुद को दे ही नहीं पाएंगे फिर किसी भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो फिर स्टडी किसी काम की नहीं रहेगी आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्कूल के साथ साथ यही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं कि स्कूल में भी जो आपको पढ़ाया जाए वो आप अच्छे से सीखें अगर वहां पे भी कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ लें और फिर वही चीज अगर आपको कोचिंग में कराई जाती है ऑब्वियसली कि कोचिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा क्यों क्योंकि स्कूल में तो लोग जनरली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं क्योंकि बोर्ड के लिए तैयारी करवा रहे हैं कोचिंग में आपको एग्जाम की भी तैयारी करवानी है तो उनके पास एक सिलेबस वास्ट है और क्वेश्चन के तरीके भी अलग अलग हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग है तो उनको क्या करना पड़ेगा बोर्ड की तैयारी वहीं पे कर ले बोर्ड की टेंशन स्कूल में ही छोड़ के उसके बाद जो उन्होंने वहां पे सीखा है उसी की हेल्प से जो उनको कोचिंग में सिखाया जा रहा है उसको आगे एनहेंस करते हुए अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे और सेल्फ स्टडी इंपोर्टेंट है आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मतलब आपने क्वेश्चन किए अगले दिन छोड़ दिया कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट रहेगी

मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग तो है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है तो आपका टाइम लेगी ही ले बिल्कुल और आपको शुरू में अगर आपको लगता है कि मैथ्स वीक है तो आपको जितना टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे होंगे उससे एक आध घंटा आपको एक्स्ट्रा सीना पड़ेगा ठीक है तब जाके आपके पास एक अच्छी पकड़ होगी सब्जेक्ट को लेके और अगर आप कहें कि इम्पोर्टेंस क्या है मतलब कि किस तरह से आपको एग्जाम में करना चाहिए वो ये रहेगा कि केमिस्ट्री हमेशा से मतलब कि ऐसा माना जाता है कि अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें IIT के बारे में अगर आपको सिलेक्ट होना है जनरली सिलेक्ट होना है तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए For IIT. For IIT. Okay. IIT और अच्छी होनी चाहिए और अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो मैथ्स आपका अच्छा ही होना चाहिए अगर आपका तो आपकी अच्छी रैंक तो नहीं आएगी ये तो गारंटी है so physics? Physics मतलब की दोनों को बैलेंस करें okay. की जो केमिस्ट्री के बारे में बोला वो तो है ना कि थर्ड सब्जेक्ट है तो वो भी अच्छा होना चाहिए तो जनरली एक स्टेटमेंट यही है कि केमिस्ट्री अच्छी है तो रैंक सिलेक्शन हो सकता है और मैथ्स अच्छी है तो रैंक अच्छी रैंक अच्छी फिजिक्स क्या करेगा दोनों को बैलेंस करेगा ऐसा भी हो सकता है किसी की फिजिक्स अच्छी हो केमिस्ट्री दोनों को बैलेंस करेगा बिल्कुल पर अच्छी रैंक के लिए मैथ्स अच्छा होना जरूरी है ये मस्ट है क्योंकि वो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा कैलकुलेशन इजी करेगा आपकी फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स uh, में आपकी हेल्प करेगा काफी क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स पे बेस्ड होते हैं ना तो वो सारी चीजें हेल्प होंगी दूसरा कितना टाइम दे सब्जेक्ट को जब आप पेपर कर रहे होंगे तो ये स्ट्रैटेजी आप अपने मॉक टेस्ट जब आप दे रहे होंगे तब आपको बना लेनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ठीक है ये स्ट्रैटेजी पहले वहां फॉलो करें मेरे हिसाब तो तो से क्या लगता है कि फोर्टी मिनट अगर आपका तीन घंटे का पेपर है तो फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट केमिस्ट्री के लिए इनफ है उतनी देर में आपका पेपर हो जाएगा जब जा अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से ठीक से आती है तो अगर आप अब दोनों में से देख लें अब आपका फिजिक्स अच्छा है कि मैथ्स अच्छा है अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप ऑब्वियसली वो एक घंटे में कर लेंगे बिल्कुल और वो सारा जितना भी टाइम आपने पंद्रह बीस मिनट केमिस्ट्री से लिया वो सारा का सारा मैथ्स को दे है अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दोनों में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है फिजिक्स में भी मैथ्स में भी तो दोनों को क्या क्या करो दस दस मिनट एक्स्ट्रा दे देना ठीक है तो यही एक स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको केमिस्ट्री से टाइम निकालना है और दोनों सब्जेक्ट्स को देना है चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ्स हो अगर आपका दोनों में से कोई एक अच्छा है तो सारा टाइम किसी एक सब्जेक्ट को दे बिल्कुल

तो वो जब खुद से नहीं लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि कब कहाँ लिखा है जब आप खुद से लिखते हैं तो आपको पता होता है कि नोटबुक में आपने कहाँ पे क्या हाँ। लिखा है और आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं ना तो इसलिए सबसे पहली चीज खुद से लिखना जरूरी है जब भी आपकी कोई क्लास हो या क्लास नोट्स आप बना रहे हैं दूसरी चीज क्या रहेगी क्लास नोट्स के साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस करवाई गई है क्वेश्चन की क्लास में वो क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रैक्टिस हुए हुए हो आपको उनमें कोई डाउट ना बिल्कुल अगर कोई भी डाउट है आपके क्लास नोट्स और क्वेश्चंस में तो आप उसको क्लियर करें सबसे पहले टीचर के साथ जाके दूसरी चीज क्या होती है चाहे आपकी कोई भी कोचिंग हो वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है जी। मेरे हिसाब से उनका स्टडी मटेरियल अप टू द मार्क होता है कोई जरूरी नहीं है आपको कुछ और चीज आप देखें कोई एक्स्ट्रा बुक देखें आप क्या करें जैसे ही आपका टीचर आपको चीजें करवा रहे हैं फिर आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आप क्या करें उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें डेली आपको जो भी असाइनमेंट या शीट मिलती है वो आप ट्राई करें अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और इंस्टीट्यूट से जो कि आप मतलब आस पड़ोस में जो भी आपको लगता है कि जी. वो कहीं से तैयारी कर रहे हो उसको अच्छा मिला है तो उसकी कोचिंग से आप टेस्ट मटेरियल स्टडी मटेरियल ये सारा ले सकते हैं

प्रेशर कैसे मैनेज करें ये रहेगा कि सबसे पहले इसमें ना बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मेरे हिसाब से और फिर पेरेंट्स टीचर को भी बनानी पड़ेगी बच्चों के साथ क्योंकि अब जी बच्चा ग्रो कर रहा है हम सारा ब्लेम उस पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो तो चीज़ें सीख रहा है उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है वो जब एक्सपीरियंस करेगा चीज़ों को तभी उसको आइडिया होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए थी या ये चीज़ नहीं थी कभी कभी होता है कि पेरेंट्स प्रेशर में भी वो क्या कर लेते हैं कि जो उनको नहीं करना वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पेरेंट्स को टीचर को कि स्टूडेंट क्या चाहता है सेकेंड चीज स्टूडेंट को भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा पेरेंट्स को अगर उससे नहीं हो रहा है या वो नहीं कर पा रहा है या वो चीज समझ ही नहीं पा रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है है ना या मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊ मेरे को कुछ और करना चाहिए अगर फिर भी बाई चांस अगर आप आ गए हैं और तैयारी करना शुरू कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं चीजें आप करनी तो है ऐसा तो है नहीं कि आपको करना नहीं है अब आप आ गए हैं तो आपको करना तो पड़ेगा बिल्कुल अब उसको आप इजी कैसे बना सकते हैं आप सेम चीजें ना फॉलो ही करनी पड़ेगी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा एक आप क्लासेस में जाएं डेली जाएं चीजों को समझें कब तक नहीं समझ आएगी एक बार नहीं आएगी दो बार नहीं आएगी तीन बार नहीं आएगी उसके बाद तो समझ आएगी ना ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आप समझ ही नहीं सकते तो इसलिए आप क्या करें बार बार वो चीज़ करें पूछें अगर कोई भी डाउट है तो और उस चीज़ को करने से बार बार करने से वो हैबिट में आ जाएगी और जैसे ही वो आपकी हैबिट में आ जाएगी ना तो वो आपके लिए बड़ा ईजी होना शुरू हो जाएगा और एक बार जैसे ही आप इस कॉन्फिडेंस में फील हो जाएंगे कि नहीं अब चीजें मेरे लाइक है मैं अब चीजें कर सकता हूँ तो फिर आपको क्या होगा ना कि वो प्रेशर भी नहीं रहेगा प्रेशर सिर्फ और हो सिर्फ होता है जब आपको चीजों का नॉलेज नहीं होता या आपको डर रहता है कि मैंने चीजें अच्छे से नहीं की जी। तो जब आपको डर ही नहीं रहेगा तो आप प्रेशर तो फील नहीं करेंगे जब आपका एग्जाम में अच्छा पूरा हाँ एग्जाम में अच्छा पूरा हो सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं की ऐसा नहीं की आपने अच्छा हमेशा पढ़ाई की और आपका एग्जाम भी अच्छा हो गया नहीं ऐसा हो सकता है कि एग्जाम अच्छा ना हो आपने पढ़ाई की पर एग्जाम नहीं हुआ तो उसमें कम से कम आपको एक प्रेशर नहीं फील होगा क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है प्रैक्टिस की है मुझसे नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियस है ना कि पंद्रह लाख बच्चे बैठे हैं तो पंद्रह हजार ही सिलेक्ट होने एक परसेंट दिया है नाइनटी नाइन परसेंट तो फेल होंगे ना ठीक है ना तो उनके पास तो और इम्प्रूवमेंट का चांसेस है तो वो कुछ और ट्राई करेंगे सारे ना तो आई बन सकते ना सारे नॉन आई हो सकते तो ये तो चीजें रहेंगी हमेशा के लिए तो प्रेशर इसी तरह से रिमूव हो सकता है कि उन्हें बोलना बोलना पड़ेगा 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 स्टूडेंट को को भी बोलना और और पेरेंट्स तो टीचर फील कराना कि हाँ बोल सकते हैं बस यही एक तरीका है सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन एंड आई होप के सारे बच्चों को उनके सारे डाउट्स पेरेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच